नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों, बिहार सभा चुनाव से रिलेटेड एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही, जो आप देख पा रहे होंगे। बिहार इलेक्शन रिजल्ट 2019 का ये लाइव अपडेट है। किशनगंज में बीजेपी की स्वेटी सिन्हा को, जो AIM के कमरूल होदा है, उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो इस वीडियो में हम और भी जानते हैं कौन कौन सी सीट से कौन कौन से आगे चल रहे हैं। तो वीडियो में बना रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो देख लेते और भी क्या कुछ अपडेट है, कौन से सीट से कौन से लोग चल रहे हैं, ये आप देख पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक एक करके सीटों का बता दे रहा हूँ। देखिए, किशनगंज में भाजपा के प्रत्याशी स्वेटी सिंह को जो है असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM के प्रत्याशी जो है कमरूल होता, उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें, सुबह सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो भाजपा के स्वेटी सिंह आगे चल रही थी, लेकिन फिलहाल वो AIM से पीछे चल रही है। अगर नाथनगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे 15,215 वोटों से JDU के प्रत्याशी जो है लक्ष्मीकांत मंडल, वो आगे चल रहे हैं। वहीं राजद के जो प्रत्याशी है रबिया खातून, वो दूसरे नंबर पे हैं। उन्हें अभी तक 3677 वोट प्राप्त हो चुके हैं। अगर हम बेलहर संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ रामदेव यादव जो है 7958 मतों से आगे चल रहे हैं। समस्तीपुर लोकसभा सीट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पाँचवें राउंड की जो गिनती है, वहाँ पे अभी LJP के जो प्रत्याशी है प्रिंस राज, वो 29,878 मतों से आगे चले, यानी कि उनकी जीत की संभावना लगभग जो है पक्की हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जो कुल वोट है उसके लगभग ये 40-45% वोट है उनके पास। इसके अलावा उनके जो प्रतिद्वंदी है अशोक कुमार राम, वो फिलहाल 68,604 मतों से दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। अगर हम सिमरी विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी पाँचवें राउंड की जनगणना जो है ख़त्म हो चुकी है, और अरुण कुमार जो है 10,484 मतों के साथ आगे चल रहे। वहीं दूसरे नंबर पे राजद के जाफर आदलम है, जिनको कि अभी तक 9,814 मत मिले हैं। अगर दरौंदा विधानसभा सीट की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी जो है ब्यास सिंह 1,653 मतों में सबसे आगे चल रहे हैं, यानी कि दरौंदा विधानसभा जो सीट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कोई भी बड़ी पार्टी नहीं जीत रही, वहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट आने वाला है। वहीं अगर बेलहर विधानसभा चुनाव का जो रुझान है वो आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से राजद के रामदेव राय है आगे चल रहे हैं। ये राजद के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी जो स्थिति इस समय ठीक नहीं चल रही, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी देने वाला होगा राजद के लिए। तो नेक्स्ट विधानसभा चुनाव के नेक्स्ट सीट जो है हमारा समस्तीपुर लोकसभा, वहाँ से प्रिंस राज आगे चले, मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दे। तो ये लेटेस्ट अपडेट था अभी का, और कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल पे ले के आऊँगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।